नमस्कार। आज हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में। तो जैसे कि ये कॉन्टैक्टर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसके लिए बोलते हैं, इसके अंदर ये कॉइल है, ये कॉइल है, और इस कॉइल के नीचे दो तार लगे हुए हैं। ये एक पॉजिटिव तार है और एक नेगेटिव तार है। यहाँ पर बैटरी की 110 वोल्ट सप्लाई आती है, और इसके अंदर ये इसका मूवेबल जॉ है, ये जो है इंटरलॉक बॉक्स है। ये जो इंटरलॉक है, ये इससे प्लंजर को, इससे प्लंजर से ऑपरेट होते हैं, इंटरलॉक जब भी लगे होते हैं। ये इनके आर्कचूट कवर है, ये ऐसे निकलते हैं। देखो, जब ये आर्कचूट कवर निकाल दिया, इसके अंदर जो ये है, ये फिक्स जो, ये मूवेबल जो, यहाँ टच होता है, यहाँ पे सप्लाई आती है। इसको जब कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाता है, तो यहाँ से नीचे से, यहाँ से सप्लाई जो है वापस चली जाती है मशीनों के अंदर। तो ये थ्री फेज सप्लाई का कॉन्टैक्टर है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर थ्री फेज सप्लाई का। ये देखो, जब क्लोज होता है तो कैसे होता है, ये देखिए, ये क्लोज हो रहा है, क्लोज हो रहा है ऐसे। जब मैग्नेट बनता है तो और भी अच्छे फोर्स से क्लोज होता है। तो उसको देखते हैं, कभी भी इसमें खराबी आती है, ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट कहलाती है, ये कभी जाम हो जाए, थोड़ा ऐसा हिला देते हैं तो ठीक हो जाती है। और कभी वोल्टेज कम आता है, ये कॉइल इनर्जाइज नहीं होगी, तो हमको उसमें क्या करना पड़ता है, इस कॉन्टैक्टर को वेज करना पड़ता है। वेज करने का मतलब है क्लोज अवस्था में इसको बांध देना। तो यहाँ पे हम क्लैंप लगाते हैं, इसका जो क्लैंप होता है, इस कॉलर को ऐसे दबा देंगे, ये क्लोज हो जाएगा और ये कॉन्टैक्टर वेज हो जाएगा। वेज होने आने पर इस यहाँ पे लग जाएंगे ये कॉन्टैक्टर, ये देखो, और यहाँ से सप्लाई जाके फिर सीधी चली जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कहते हैं, यानी कि इसके अंदर मैग्नेट से जो बिजली बनती है उससे ये कॉन्टैक्टर क्लोज होता है। क्लोज कैसे होता है, फिर से एक बार समझ लेंगे। जब सप्लाई आती है इस कॉइल के अंदर, इस कॉइल के अंदर ये कॉइल इनर्जाइज होती है, इनर्जाइज हो के इसमें मैग्नेट बनता है, और इस मैग्नेट को यहाँ से देखो, यहाँ नीचे, यहाँ ये अपनी तरफ लोहे को खींचता है। जब मैग्नेट बनता है, लोहे को खींचेगा, यहाँ अंदर जब देखेंगे तो ये ऐसे मैग्नेट बनते, ऐसे खींचता है, खींचता है, तो ये लीवर ऐसे ऊपर उठता है, तो ये कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाता है। क्लोज होने का मेन मकसद, यहाँ पे जो तीन सप्लाई है, एक दो तीन थ्री फेज की सप्लाई यहाँ आके अटकी हुई रहती है, क्योंकि ये कॉन्टैक्टर अभी यहाँ खुला हुआ है, ये फिक्स जो है तीनों, ये मूवेबल जो है, जब ये क्लोज हो जाएगा ऐसे, तो ये सप्लाई वापस यहाँ से नीचे, ये जो पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पे, ये पॉइंट दो तीन, तो यहाँ से सप्लाई चली जाएगी। इसको फ्लेक्सिबल शंट बोलते हैं, फ्लेक्सिबल शंट, फिक्स जो, मूवेबल जो, कॉइल, इंटरलॉक बॉक्स। इस प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होता है। धन्यवाद।